हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे करें। हाँ फ्रेंड्स, आपको अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है तो अब आपको इंस्टाग्राम के न्यू अपडेट में डीएक्टिवेट का सीधा सेटिंग में ऑप्शन मिल जाता है। तो आप सीधा उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। आइए फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपको इंस्टाग्राम के होम पेज पर आ जाना है। इसको इंस्टाग्राम का होम पेज बोलते हैं। उसके बाद जिस भी अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है उसके राइट साइड कॉर्नर में ये जो थ्री लाइन दिख रही है आपको, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाला, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट सेंटर वाला, तो ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अकाउंट सेंटर का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स वाला ये जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको देख लेना है आपका एक ही अकाउंट है। अब आपको यहाँ पर दूसरा वाला जो ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट ओनरशिप वाला, ये वाला एंड कंट्रोल वाला, उसमें लिखा हुआ है डीएक्टिवेट और डिलीट योर अकाउंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट करना है ये अकाउंट को, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपको सीधा ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप ही वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हो, इसके लिए आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। तो चलिए, मैं अपना पासवर्ड मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड को टाइप कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों डीएक्टिवेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको लिख देना है जस्ट नीड अ ब्रेक, या तो फिर आप कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो रीज़न, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको पूछा जाएगा कन्फर्म टेम्पररी अकाउंट डीएक्टिवेशन, तो यहाँ पर आपको कन्फर्म पूछा जाएगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कन्फर्म डीएक्टिवेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टेक्निकल एफपी इज नाउ डीएक्टिवेट। अब ये मेरा दूसरा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर मेरा ये वाला अकाउंट यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर सर्च भी करूँगा तो मेरा सर्च में भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं दिखेगा क्योंकि ये डीएक्टिवेट हो चुका है। अब जब भी आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट एक्टिवेट करना है तो आप लॉगिन कर दीजिए अपना आईडी पासवर्ड डालकर, तो लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और आपको इंस्टाग्राम के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इंस्टाग्राम में ऐसे नए नए अपडेट्स आते रहते हैं इसलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको ये नए नए अपडेट्स के बारे में पता चल जाएगा।